हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफरी वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन रेशमी कबाब। हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के तैयार करेंगे, वो भी बिना भन के। आप इसे एज ए पार्टी स्टार्टर, एज ए स्नैक्स इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। रेशमी कबाब बनाने के लिए हम पहले एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए एक ब्लेंडर में लेंगे आधा कप पुदीने का पत्ता, आधा कप धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च या आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, एक चौथाई कप मोजरेला चीज़। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रखें आप इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली हूँ। चलिए अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैं यहाँ पे आधा किलो चिकन ले ली हूँ। ये बोनलेस चिकन है और इसे मैं एक ही साइज़ में कट कर ली हूँ। अब जो हम मसाला पेस्ट बनाएं उसको हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे। हंग कर्ड आधा कप, क्रीम 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, जायफल का पाउडर 1/4 चम्मच। अब नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं और इसे मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस 2 चम्मच, मिल्क पाउडर 1 चम्मच और इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चिकन अब अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। चलिए अब इसे हम अच्छी तरह से ढक देते हैं और ढक के हम इसे कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। चिकन का रखे हुए अभी 3 घंटा हो गया है। चलिए अब इसे चारकोल का स्मोक दे देते हैं। अब इसे ढक के हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्मोक दे देना है। इसे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इसे स्मोक दिए हुए अभी 2 मिनट हो गया है। चलिए अब हम कबाब बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बम्बू का स्टिक में कबाब को सेट कर लूँगी। इसी तरह से हम बाकी सारे कबाब को भी बना लेंगे। चलिए अब इसे पका लेते हैं। मैं यहाँ पे पैन को गरम कर ली हूँ। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल को हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। चलिए अब एक एक करके कबाब को डाल देते हैं। गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू लो में रखेंगे और इसे पलटते हुए हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए।
आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इसे ट्राई करें और मेरे साथ आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।